बच्चों आज आप पढ़ेंगे मैरीगोल्ड क्लास थर्ड यूनिट थर्ड पेज नंबर 23 लिटिल बाय लिटिल। आप अपनी पुस्तक खोलिए, पृष्ठ नंबर 23 खोलिए। आपको पुस्तक से पढ़ना है, आपको मोबाइल या कंप्यूटर की तरफ नहीं देखना है, वीडियो की सिर्फ आवाज़ सुननी है और जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उस पर उंगली रखकर जोर से पढ़ना है। पेज नंबर 23 लिटिल बाय लिटिल। माय लिटल्स सीडलिंग्स। अंकुर एक छोटा पौधा होता है जो एक बीज से विकसित होता है। बीज के अंकुरित होने के बाद बीज से अंकुर निकलते हैं। एक अंकुर के दो भाग होते हैं, नंबर एक जड़ और नंबर दो तना। कुछ समय बाद तने पर शाखाएं, पत्तियां, कलियां और फल उगते हैं। इस तरह पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। कवि हमें बताना चाहता है कि एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़े और विशाल पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बच्चा अच्छी तरह पढ़ लिख कर योग्य बनकर समाज का उपयोगी अंग बन जाता है। चलो बच्चों अब पाठ शुरू करते हैं। लिटिल बाय लिटिल पेज नंबर 23। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स। रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। बच्चों बड़े से बड़े पेड़ भी छोटे बीज के रूप में जीवन की शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ें कि बलूत का एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बन गया। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। जैसे जैसे एक बलूत का बीज धीरे धीरे अपने मिट्टी के बिस्तरे में मीन्स मिट्टी में नीचे जा रहा था, उसने कहा थोड़ा थोड़ा करके मैं हर दिन बड़ा हो रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। जैसे जैसे एक बलूत का बीज धीरे धीरे अपने मिट्टी के बिस्तरे में मीन्स मिट्टी में नीचे जा रहा था, उसने कहा थोड़ा थोड़ा करके मैं हर दिन बड़ा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। पृथ्वी के अंदर गहरे छुपे हुए, इट मीन्स बीज मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे हर दिन बढ़ता गया। हिडन डीप इन द अर्थ अवे लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। पृथ्वी के अंदर गहरे छुपे हुए, इट मीन्स बीज मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे हर दिन बढ़ता गया। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। धीरे धीरे यह मिट्टी के पानी और ओस की बूंदों को पीता था। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। धीरे धीरे यह मिट्टी के पानी और ओस की बूंदों को पीता था। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। एक धागे की तरह उसकी जड़ जमीन में नीचे की ओर बढ़ने लगी। हवा में मिट्टी के ऊपर एक छोटी सी कोपल फूटी, मीन्स एक छोटी सी टहनी शूट निकली। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। एक धागे की तरह उसकी जड़ जमीन में नीचे की ओर बढ़ने लगी। हवा में मिट्टी के ऊपर एक छोटी सी कोपल फूटी, मीन्स एक छोटी सी टहनी शूट निकली। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। दिन ब दिन प्रतिदिन और साल दर साल हर साल
धीरे धीरे टहनियों पर पत्ते दिखाई देने लगे। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, दिन ब दिन प्रतिदिन और साल दर साल हर साल, धीरे धीरे टहनियों पर पत्ते दिखाई देने लगे। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, इस तरह एक छोटा सा बीज अब बड़ा और शक्तिशाली बलूत का पेड़ बन जंगल की शान बन गया। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, इस तरह एक छोटा सा बीज अब बड़ा और शक्तिशाली बलूत का पेड़ बन जंगल की शान बन गया। बच्चों अब पढ़ेंगे पूरा पाठ एक साथ। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। बच्चों बड़े से बड़े पेड़ भी छोटे बीज के रूप में जीवन की शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ें कि बलूत का एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बन गया। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड As it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. जैसे जैसे एक बलूत का बीज धीरे धीरे अपने मिट्टी के बिस्तरे में नीचे जा रहा था, उसने कहा, थोड़ा थोड़ा करके मैं हर दिन बड़ा हो रहा हूँ। पृथ्वी के अंदर गहरे छुपे हुए, इट मीन्स बीज मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे हर दिन बढ़ता गया। धीरे धीरे यह मिट्टी के पानी और ओस की बूंदों को पीता था। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest's pride. ek dhage ki tarah uski jad zameen mein niche ki or badhne lagi, hawa mein mitti ke upar ek choti si kopal phooti, means ek choti si tehni nikli, din ba din प्रतिदिन और साल दर साल हर साल, धीरे धीरे टहनियों पर पत्ते दिखाई देने लगे और पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं। इस तरह एक छोटा सा बीज अब बड़ा और शक्तिशाली बलूत का पेड़ बन जंगल की शान बन गया। ओके माय लिटल्स, द लेसन इज ओवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।